अगली खबर रीवा से है, जहां प्रेम जाल में फंसाने के बाद मोटी रकम वसूलने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। चालूबाज महिलाओं के चक्कर में ज्यादातर सीधे साधे युवक फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। उक्त महिला का शिकार हुए व्यक्ति की मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। वहीं उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। ब्लैकमेलर महिला नेहा गुप्ता बताई जाती है, जिस मामले की जांच पीड़ित ने टीआई रैंक के अधिकारी से कराए जाने को लेकर रीवा एसपी से मुलाकात की है। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि ग्राम मंगडौर थाना डभौरा तहसील जवा जिला रीवा की निवासी है। डभौरा निवासी नेहा गुप्ता पति प्रदीप कुमार गुप्ता हाल मुकाम उपेंद्र मोटर्स पार्ट्स पप्पू मिस्त्री हनुमाना जिला रीवा का 23 जून 2022 को रीवा से डभौरा जाने वाली सड़क में थाना डभौरा से 3 किलोमीटर पहले वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस द्वारा अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ से रेफर कर दिया गया था, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में हुआ, जिसमें डॉक्टरी रिपोर्ट में आया है कि महिला शराब के नशे में थी। दुर्घटना के बाद इस महिला के द्वारा अपने भाई संजय केसरवानी के मोबाइल नंबर 7724995847 से महिला के बड़े पुत्र के मोबाइल नंबर 7869033829 में फ़ोन कर 10 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा न देने के कारण पीड़ित के पुत्र जयदीप शुक्ला, जो आर्मी में नौकरी करता है, उसे झूठे रेप केस तथा हत्या करने के प्रयास की शिकायत पुलिस अधीक्षक एवं थाना डभौरा में की गई है, जिसकी जानकारी पीड़ित को समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने के बाद हुई। पैसा की मांग करने का ऑडियो पीड़ित के पुत्र के मोबाइल में है, जो जांच के समय पुलिस अधिकारी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा। आइए सुनते हैं उक्त ब्लैकमेलर पर पीड़ित महिला का क्या कहना है। ममता शुक्ला, यहाँ एसपी कार्यालय आई थी, काहे की शिकायत करना है? वो एक लड़की हनुमना की है, नेहा नाम की, वो मेरे बेटे को फंसा रही है और बार बार ब्लैकमेल करती है। 10 लाख रुपए की मांग करती, कभी 30 लाख की मांग करती है। नहीं, उससे कैसे संपर्क हुआ था उस लड़की से, आपके लड़के का? मेरे लड़का, उस पहले उसको पैसा वैसा दिया था कर्जा के रूप में दुकान के लिए, फिर उससे मांगने जाता था, फिर वो ब्लैकमेल करने लगी और उल्टा उसी को फंसा दी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता, ये करता, वो करता। क्या कहती है कि आरोप लगाएंगे कुछ ऐसा? हाँ, बलात्कार का आरोप लगा रही है। कहती है साल भर से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा केस बना रही। इसके लिए आप पहले थाने गई हैं क्या शिकायत करने? हाँ, गई हैं। क्या क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट यह रहा कि कुछ नहीं करेगी, और ठीक है हम समझा देंगे। फिर उसके बाद कुछ ही नहीं, हम फिर गए ही नहीं। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या चाहते हैं आप यहाँ दी हैं? हम यहाँ चाहते हैं कि न्याय हुए, निष्पक्ष जांच करें। हाँ, निष्पक्ष जांच करें, एक तरीके नहीं, दोनों तरफ का जांच हुआ। कितना पैसा दिया था? पहले 2-2.5 लाख रुपया दिया। अभी तो कुछ वापस किया? कुछ नहीं वापस किया। क्या करते हैं आपके बच्चे? फौज में है। फौज में है। आप 10 लाख रुपए मांग रहे? दोनों एक दूसरे संपर्क में कैसे आए थे? अब पहले दुकान के लिए कर्जा लिए थी ना, डोभावरों में दुकान रखी थी, उसके लिए आती जाती रही, और जब से पढ़ता था तब से उसको फंसाए रही अपने चक्कर में। वो लड़का रहा, अपना पैसा मांगने जाता था, दया में दे दिया, फिर हो गए, फंसाती चली गई। अभी कहाँ पे हैं आपके लड़के? मेरे लड़के जम्मू में। जम्मू में? हाँ। लड़की क्या कहती है कि अभी हम अगर पैसा ना दोगे तो ऐसा करें, फंसाएंगे? हाँ, लड़की कहती है पैसा नहीं दोगे तो मैं ऐसे फंसाऊंगी रेप के चक्कर में, या तो जो उल्टा फंसा दूँगी। हनुमाना गाँव की। आप कहाँ रहती हैं? हम मंगड़ौर। एस पी साहब से क्या बात हुई? क्या एस पी साहब मेरे से कुछ बात नहीं किए हैं, कहीं ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है, अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है आपके? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग है सब। मेरे बड़े बेटे से मांग रही थी 10 लाख रुपए दे, तो वो बोले हम कहाँ से लाएंगे इतना, फिर उसको भी फंसाने के चक्कर में।